वेरी गुड मॉर्निंग वेलकम टू माई चैनल यूटीसी एजुकेशन पेपर टू सो आज जो यूनिट कर रहे हैं हम हैं यूनिट सेवन का सेक्शन सी वहाँ पर है मीनिंग पर्पज एंड गाइडलाइंस ऑफ डेवलपमेंट दैट इज रूब्रिक्स सो लेट्स गेट स्टार्टड येस रूब्रिक्स क्या होता है रूब्रिक्स का हम लोग जानेंगे पहले मीनिंग उसके बाद उसकी uh, जो है एग्जाम्पल uh, लेंगे उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उससे पहले हम ले ले लेते हैं रोब्रिक्स क्या है रूब्रिक्स इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यस लेट्स टेक अ पेन यस रुब्रिक इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड अ परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट टूल परफॉर्मेंस बेस्ड जो आपने परफॉर्म किया है उसके बेसिस पे एक असेसमेंट टूल बनाया जाता है अ टूल डेवलप्ड बाय द इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर जो है इस टूल को बनाता है और उसके परफॉर्मेंस को देखता है और यहाँ पर क्वालिटेटिव वाइज डेटा को बनाया जाता है ये हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा अ मीनिंग मेजरिंग द टूल स्कोरिंग इंस्ट्रूमेंट स्कोर करता है जो इंस्ट्रू जो भी आपके स्कोर है उसको क्या करता है मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है ये डिग्री टू विच लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैव बिन डेमोन्स्ट्रेटेड और अटेन बाय द स्टूडेंट सो स्टूडेंट ने जो भी अचीव किया है जो परफॉर्मेंस करके उसने अचीवमेंट ली है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यानी कि क्वालिटेटिव डेटाज़ के अकॉर्डिंगली कलेक्ट की जाती है रोब्रिक इज़ टिपिकली एन इवेलुएशन टूल एंड सेट ऑफ गाइडलाइंस यूज टू प्रमोट द कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग एक्सपेक्टेशंस जो हमें हम बच्चों से जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस करते हैं उसकी एप्लीकेशन यानी कि उसके बारे में लिखा होता है इसका एग्जाम्पल भी लेंगे तब और क्लियर हो जाएगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जो बच्चों ने फुलफिल किए हैं स्टैंडर्ड्स हैं जिसको अचीव किया है उन सबको मेजर किया जाता है अटेनमेंट अगेंस्ट अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ क्राइटेरिया और यहाँ पे एक सेट ऑफ क्राइटेरिया भी डिसाइड होता है क्राइटेरिया मतलब पैटर्न डिसाइड होता है जिस पैटर्न के बेसिस पे हमें उस परफॉर्मेंस को जज करना है जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए बहुत बढ़िया एग्ज़ाम्पल है ये जैसे यहाँ पे हम देखिए क्राइटेरिया डिसाइडेड है लेवल क्राइटेरिया वन है टू है थ्री है एंड फोर है यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों के लेवल ऑफ इंगेजमेंट इन द क्लास बच्चे कितने जो हैं क्लासरूम में इंगेज रहते हैं बिजी रहते हैं तो हम वो बच्चे जो प्रो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं क्लासेस में अपने आइडियाज़ देते हैं क्वेश्चन पूछते हैं एक एक बार नहीं बहुत बारी मतलब बार बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हमने उनको फोर क्राइटेरिया पे रखा है जो बच्चे प्रोएक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन क्लास रूम में सिर्फ एक ही बार ही क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसके बाद अपने आप जो है पढ़ाई पे ध्यान देते तो हमने उनको थर्ड क्राइटेरिया पे रखा है लेकिन जो बच्चे रेयरली बहुत ही कम जो हैं क्लासरूम में कंट्रीब्यूट करते हैं अपने आइडियाज़ या क्वेश्चन से रिलेटेड तो हमने उन्हें सेकंड कैटेगरी यानी कि क्राइटेरिया पे रखा है एंड जो बच्चे नेवर कभी भी नहीं पूछते हैं क्वेश्चन चुप रहते हैं क्लास में उन्हें हमने किस में रखा है लेवल वन पे यानी कि क्राइटेरिया वन पे सिमिलरली लिसनिंग क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग जो बच्चे सुनते हैं क्वेश्चनिंग करते हैं डिस्कसिंग करते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर लेवल डिसाइड किए हैं तो रूब्रिक्स से क्या होता है दिस इज द क्वालिटेटिवली कलेक्टिंग ऑफ डेटा दैट मेजर्स द परफॉर्मेंस of the learner to how much they achieve the goal how much they are attentive in the class how much they are performing in the class so is sab ke bare mein record rakha jata hai jo ki kon rakhta hai instructor rakhta hai right यानी कि teacher रखती हैं so जैसे listening questioning और discussing में अगर हम देखते हैं respectfully listen यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सुनता है discuss करता है questions पूछता है और अपने जो group में जो है वर्क करता है तो उसको हमने फोर्थ लेवल पे रखा है रिस्पेक्टफुली लिसन डिसकस इन आज क्वेश्चन सिमिलरली इसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं फोर्थ पर इसमें कम एक्टिविटीज होती हैं और भी कम सेकेंड क्राइटेरिया पे होती हैज़ ट्रबल लिसनिंग ट्रबल लिसनिंग मतलब कि बहुत ही शोर मचाता है क्लास में टेक्स अ टेक्स ओवर डिसीजन विदाउट लेटिंग अदर पीपल हैव अ टर्न किसी और के टर्न आने से पहले वो हाथ खड़ा करता है मतलब रेस करता है कि मुझसे पूछ लीजिए क्लास में ट्रबल क्रिएट करता है तो यहाँ पे हमने उसे सेकेंड क्राइटेरिया देंगे एंड द फर्स्ट डज नॉट लिसन आर्ग्यूज अपने टीम मेट्स के साथ आर्ग्यूज करता है डस नॉट कंसीडर अदर आइडियाज जो को अदर आइडियाज मतलब उसके पेयर ग्रुप कोई आइडिया दे रहा है उसको नहीं सुनता है या बार बार ब्लॉक करता है उसे ग्रुप में से या लड़ता है तो उसको हमने लेवल वन पे रखा है सिमिलरली उसका बिहेवियर बच्चे का बिहेवियर क्लासरूम में कैसा है जैसे स्टूडेंट ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्लेस डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर नेवर डिस्प्लेस द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर जिसने कभी गलत बिहेव किसी भी के साथ चाहे वो ग्रुप एक्टिविटी हो चाहे ग्रुप डिस्कशन एक्टिविटी हो किसी भी एक्टिविटी में उसने जो है गलत परफॉर्म नहीं किया है तो उसे हम लेवल फोर पर रखेंगे रेयरली डिस्प्लेस द डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन सिमिलरली ना, almost never है ना ऑलमोस्ट नेवर है यहाँ पे और यहाँ पे रेयरली है सो so, कुछ ना कुछ जो है लेवल में आपको डिफरेंस मिलेगा यहाँ ओकेजनली डिसप्लेस कई बार वो बच्चा कई बार हो जाता है क्लास में तो उसे है सेकेंड लेवल पे, और यहाँ पे तो ऑलमोस्ट एंड ऑलवेज डिसप्लेन कुछ बच्चे होते हैं क्लास में जो हमेशा दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं क्लास एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं तो उसे है हम किस कौन से लेवल पर रखते हैं वन पे सो दिस इज़ द क्राइटेरिया जो रूबरिक का एक एग्ज़ाम्पल है जो हमने सेट किया है सो दिस इज द एग्जाम्पल नाउ वॉट इज द प पर प पर प पर प पर प परपज़ ऑफ मेकिंग दिस रूबरिक रूबरिक बनाने का पर्पज़ क्या होता है टू परफॉर्म द स्टूडेंट्स बिफोर द बिगिन कोई एक्टिविटी बिगिन करने से पहले हमें पता चल जाता है बच्चों का बिहेवियर उनकी लर्निंग एक्सपीरियंसिस हमें हमेशा पता चल जाती है एक टीचर को टू डिफाइन अकेडमिक फॉर स्टूडेंट्स एंड हेल्प टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी इन द इवेलुएशन ऑफ अकेडमिक वर्क फ्रॉम स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट कितना अच्छे से स्टूडेंट टू स्टूडेंट वो वर्क कर पाता है असाइनमेंट टू असाइनमेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोर्स टू कोर्स यानी ऐसा नहीं है कि आज अच्छे इस यूनिट में अच्छा उसने परफॉर्म किया सेकेंड यूनिट में बेकार किया तो कोर्स टू कोर्स भी उसकी जो इवेल्युएशन है वो चलती रहती है सिंपल जो रूब्रिक्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन एन असाइनमेंट एंड हाउ इट विल बी क्रिएटेड एक रोब्रिक्स आपको बता सकता है कि पूरा असाइनमेंट जो आप प्रोजेक्ट प्रोग्राम एक्टिविटी जो भी है वो कर रहे हैं उसका क्राइटीरिया क्या है उसमें ऑब्जेक्टिव क्या है टू बी फॉलोड एंड टू बी अचीव्ड वो आपको कौन बताएगा रोब्रिक्स रोब्रिक कैन भी बेफॉर्मेटिव भी हो सकता है बीच के बीच आपको वो आपकी इवेलुएशन चल सकती है या सब यानी कि फाइनल असेसमेंट में भी हो सकता है फॉर इवेलुएटिंग द रिटर्न वर्क आपने जो रिटर्न वर्क दिया है प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन पी के थ्रू जो आपने प्रेजेंटेशंस दी हैं या क्लासरूम असाइनमेंट्स किया है उन सब के बेसिस पे आपका फाइनल या जो है ऑन गोइंग इवेलुएशन निकाल लिया जाता है देर आर फोर टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स चार तरीके से बना सकते हैं चेक लिस्ट के थ्रू जैसे जो हमने पीछे था होलिस्टिक रोब्रिक यानी कि आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस से रिलेटेड यानी कि ग्रेड्स दे दिया कि हाँ कंप्लीट सेशन के दौरान जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो ए ग्रेड रही है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रेड्स कर दिया परसेंटेज दे दिया एनालिटिक रोब्रिक्स मतलब एक एक पहलू पे जैसे आपका बिहेवियर कैसा है क्लासरूम में आपकी लर्निंग प्रोसेस कैसा है आपका नॉइज तो नहीं है मतलब हर एक पहलू जो भी हैं आपके उन सब के बारे में ईच एंड एवरी स्किल के बारे में यहाँ पे रूब्रिक्स तैयार कर लिया गया है और डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है आप एक्सीलेंस वर्क कर रहे हैं बेटर वर्क कर रहे हैं गुड से बैड कैसे आप वर्क कर रहे हैं तो आपके डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है उसके बेसिस पर भी हम रूब्रिक्स बना सकते हैं टीचर्स इंक्लूडिंग होम स्कूल पेरेंट्स कैन रेफर टू दीस सिंपल रूब्रिक्स एज एन एग्जाम्पल टू फॉर्मुलेट देयर ओन वो खुद भी अपने आप भी प्रिपेयर कर सकते हैं नाउ वॉट आर इज द कैरेक्टरस्टिक्स इसके कैरेटरिस्टिक्स होते हैं बिकॉज दिस इज़ अ प्री प्लान टूल पहले से ये टूल बना लिया जाता है प्री डिटर्माइंड टूल होता है फॉर्मेटिव और समेटिव कैन भी असेसमेंट हो सकता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है हम इस रूब्रिक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स बनाने में पेपर्स मेड पोर्टफोलियोज़ में कोई डिस्कशन करना है तो हम रूब्रिक्स देख सकते हैं प्रजेंटेशन असाइनमेंट्स और प्रजेंटेशन एंड आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस तो इन सब एरियाज में हम रूब्रिक्स को यूज कर सकते हैं नाउ द लास्ट वन इज द दॉट इज द इम्पॉर्टेंस फॉर लर्नर्स लर्नर्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स टू रिफ्लेक्ट वेयर दे स्टैंड बच्चे कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अपने आप को देख सकते हैं टीचर्स के लिए एक्ट टू हेल्प देम रिफ्लेक्ट टू मॉडिफाई देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्राटेजी ये आपको फीडबैक के थ्रू पता चल जाता है आपकी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है and for the administrators uh, help them to frame the policies koi policy frame karne mein ye rubrics help karta hai because we get to know about the psychology of the learner through it and where they stand in their life in the learning process mein wo kahan stand kar rahe hai uske basis pe policy banai jati hai so it's a very important topic rubrics bahut अच्छा e acha topic hai aur i hope aapko example के through समझ में आ गया होगा. so please subscribe my channel guys Thank you so much. Have a nice day.